क्या सिर्फ कोटा ही स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है? नहीं। क्या कोटा में ही बेस्ट पैशनेट फैकल्टीज अवेलेबल है? नहीं। क्या कोटा में अभी भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या सिर्फ कोटा के बच्चे ही IIT नीट क्वालिफाई कर पाते हैं? नहीं। कोटा कोई शब्द नहीं है, कोटा कोई वाक्य नहीं है, कोटा अपने आप में ही एक ग्रंथ है। ग्रंथ। और ये ग्रंथ आपने वही सुनी और देखी है जो आपको दिखाई गई है और सुनाई गई है, जिसमें कुछ गलत नहीं है, बस ये आज की कहानी नहीं है, ये कोटा के गुजरे हुए कल की दास्तान है। इस वीडियो में हम आपको कोटा की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्या कोटा में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प या इंफॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कोटा के गुजरे हुए कल को करोड़ों रुपए लगा करके आज जिंदा रखा गया है, क्योंकि हर साल कोटा में 4,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से जनरेट होता है। पैसा ही पैसा होगा। हर साल 1.5 लाख स्टूडेंट्स कोटा विजिट करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हर साल कोटा में लगभग 30 स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? कोटा में पैशन और एजुकेशन की जगह लालच ने ले ली है और टीचर की जगह डॉनों ने। फील्ड का डॉन हूँ मैं। किस फील्ड का? इस कोचिंग इंडस्ट्री। तो लोग कोटा जाते ही क्यों हैं? लोग कोटा जाते हैं क्योंकि कोटा इज अ ब्रांड। ब्रांड ब्रांड वो यहाँ रखते हैं। लोग कोटा जाते हैं क्योंकि हमारे दीदी और भैया भी कोटा गए थे और उन्होंने हमें कोटा जाने को सजेस्ट किया। आपके दीदी और भैया ने आपको जो कोटा सजेस्ट किया है आपको जरूर वहां जाना चाहिए। बट आज वो कोटा है कहां? लोग कोटा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पूरे भारत में सिर्फ कोटा ही जेई और नीट का कोचिंग हब है। आज आपको IIT जेई और नीट का हब हर एक स्टेट में मिल जाएगा। रिजल्ट्स की बात करें तो इन द लास्ट 3 ईयर्स आंध्र प्रदेश इज इन फर्स्ट पोजीशन फॉर प्रोड्यूसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सेलेक्शंस इन IIT जेई। और कोटा तो भैया टॉप 3 में भी नहीं है। ये क्या हो गया? अगर AIR1 की बात करें तो 2020 में आकाश ने अपने पुणे सेंटर से AIR1 दिया था। 2019 की बात करें तो एलन ने अपने मुंबई सेंटर से AIR1 दिया था हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से, लेकिन एलन का कहना है कि उन्होंने कोटा सेंटर से AIR1 दिया है। और अगर उससे पहले के 2 साल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो दोनों साल AIR1 चंडीगढ़ से था। लोग कोटा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि टॉप टैलेंटेड एंड पैशनेट फैकल्टी सिर्फ और सिर्फ कोटा में ही मिल सकते हैं। कोई सेंसेंस बात थी? ऐसा 10-15 साल पहले हुआ करता था कि सिर्फ कोटा में ही बहुत अच्छे टीचर मिला करते थे, क्योंकि उस समय अच्छे टीचर के पास सिर्फ कोटा ही एक प्लेटफॉर्म था अपनी काबिलियत दिखाने का। लेकिन आज आपको भी पता है हर गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जगह एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो आज एक पैशनेट और अच्छे फैकल्टी आपको गांव-गांव में मिल जाएंगे। लोग कोटा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोटा में ही बेस्ट कोचिंग सिस्टम और बेस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट अवेलेबल है। आर यू कॉमेडी मी? माना कि कोटा मदर है IIT जेई के कोचिंग सिस्टम का, बट जरूरी तो नहीं कि जिसने कोई चीज इन्वेंट करी है वही उसका बेस्ट वर्जन बना सकता है। आपके मोबाइल स्मार्टफोन की पहली कंपनी जो बनाई थी, जिन्होंने इन्वेंट किया था, वो थी IBM। क्या सिर्फ IBM कंपनी ही बेस्ट स्मार्टफोन बना रही है? नहीं। उसी तरीके से कोटा में ये सिस्टम इजाद हुआ था, बट आज उससे लाखों गुना अच्छे इंस्टीट्यूट्स और उससे अच्छे सिस्टम्स हर जगह हैं। सबको मैं एक बात और बता दूं, कोटा में हर 10 में से 4 बच्चे को कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है और हर 10 में से 5 बच्चा किसी गलत संगत में पड़ रहा है। ये वीडियो बनाने का हमारा मात्र एक मकसद ये है कि आज कोई बच्चा कोटा स्कैम का शिकार ना बने।
आज पढ़ाई, एनवायरनमेंट, कंपटीशन, अच्छे टीचर्स आपको हर जगह अवेलेबल हैं। ना ही सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन कोचिंग्स में भी अच्छी अच्छी कोचिंग्स आपको अपने होम टाउन में या पास के किसी शहर में मिल सकती हैं। तो फिर क्यों आप कोटा अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं जहां वो बीमार पड़ेंगे, जहां उन्हें गलत संगति में आने का अवसर मिलेगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा मतलब आप जागरूक हैं और आप समझदार भी हैं। आई एम अ कोटा स्टूडेंट माई सेल्फ, मैंने खुद कोटा से पढ़ाई की है और मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं कि कोटा इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर स्टूडेंट्स। तो क्या आप अपने बच्चे को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं या एक डिप्रेशन का पेशेंट? तो क्या आप अपने बच्चे को IIT या नीट क्रैक करते हुए देखना चाहते हैं या खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हुए? डिसीजन आपका है। धन्यवाद। जय हिंद।